हाय गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। माय ब्लॉग चैनल SBN07 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। गाइस, आज मैं आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से दाल मिलाई किया जाता है वही दिखाने वाला हूँ। गाइस, इसमें गाय बैलों का उपयोग ना करके ट्रैक्टर से मिंजाई किया जा रहा है वही मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। गाइस, आजकल मशीनों का युग चल रहा है, इसलिए थ्रेशर मशीन और ट्रैक्टर से धान की मिंजाई किया जाता है। गाइस, तो ज़्यादातर गांव में पहले ज़माने में गाय बैलों से धान की मिंजाई किया जाता था, लेकिन आज मशीनरी का युग होने के कारण आजकल ट्रैक्टर और थ्रेशर मशीनों के द्वारा ही धान की मिंजाई किया जाता है। गाइस, तो आज मैं ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से धान की मिंजाई किया जाता है वही आप लोगों को वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आइए गाइस, चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से धान की मिंजाई किया जाता है। तो गाइस, भी रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें, वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो गाइस, आइए चलते हैं। गाइस, ये आप देख सकते हो, इस प्रकार से धान को चारों ओर फैलाया जाता है, उसके बाद में ट्रैक्टर इसके ऊपर चढ़ाया जाता है और राउंड राउंड घुमाया जाता है। ये आप देख सकते हो, इसी प्रकार बस्तर के ज़्यादातर गाँव में किया जाता है। गाइस, वीडियो में बने रहिए। गाइस, ये आप देख सकते हो, इसी प्रकार गांव में ट्रैक्टर से मिंजाई किया जाता है। ये आप देख सकते हो, इधर ट्रैक्टर धीरे धीरे चल रहा है क्योंकि धान का पैरा थोड़ा कम है, इसकी वजह से धीरे धीरे चल रहा है। अभी 2 दिन पहले पानी भी गिरा है तो ज़मीन भी नहीं सूखा है। अगर ज़्यादा स्पीड ट्रैक्टर चलेगा तो दब भी सकता है, इसकी वजह से गाइस धीरे धीरे ट्रैक्टर चला रहे हैं भाई साहब लोग। ये देख सकते हैं, इसी प्रकार से गांव में मिंजाई किया जाता है ट्रैक्टर से। आजकल थ्रेशर मशीन और ट्रैक्टर होने की वजह से गाय बैलों को कम यूज़ किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर भी आज भी गायों का इस्तेमाल किया जाता है। गाइस, ये आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो, इधर भाई लोग भी खड़े हैं धान मिसाई करने का देखने के लिए। गाइस, इधर आप देख सकते हो, इधर 3 ही जने काम कर रहे हैं धान मिसाई के लिए। पैरा को इसी प्रकार इस बांस के डंडे से खींच खींच कर निकाल के किया जाता है। गाइस, गांव में देख सकते हो। गाइस, देख सकते हो, अभी ट्रैक्टर को खड़ा किए हैं, अभी पूरा धान यानी कि पैरा को एक बार नीचे से ऊपर तक निकाल के करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर ट्रैक्टर को लाया जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये वाला जो डंडा दिख रहा है ये बांस का है, बहुत ही खूबसूरत, ये खासकर जंगल में मिलता है। गाइस, इसी से ज़्यादातर अपने ग्रामीण क्षेत्रों में इस पैरा को निकालने का काम किया जाता है। इस डंडे की वजह से आसानी से काम करने को मिलता है।